मैक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी विश्वविख्यात है। यहाँ बॉल्सो डी मैपमी के निकट एक मरुस्थलीय भूमि का टुकड़ा है, जिसे निःशब्द क्षेत्र या द साइलेंट जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में से ला जोना डेल साइलेंसियो कहते हैं। अपने नाम के अनुरूप एक क्षेत्र यहाँ तकनीकी उपकरणों से होने वाले किसी भी वार्तालाप या संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को रहस्यमय तरीके से निगल जाता है, जिस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढ पाए। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों की वजह से केंद्र में जो तथ्य है वो है इस जगह का साधारण रूप से रेडियो एक्टिव होना। इस क्षेत्र में पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके वैमानिक उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। दूसरी घटना जुलाई 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ग्रीन रिवर ऊटा स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल क्षेत्र की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ ही सेकंड्स के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने मैक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उस रॉकेट में दो छोटे कंटेनर थे जिनमें कोबाल्ट का समस्थानिक भरा था, जो कि एक उच्च रेडियोधर्मी तत्व है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे पथ पर नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिकों ने अपने शोध से पता लगाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि उच्च रेडियोधर्मी होने के साथ साथ इस जगह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र यानी कि डार्क जोन बनता है, जो रहस्यमय तरीके से यहाँ हर प्रकार के विद्युत चुंबकीय संप्रेषण को निगल जाता है। ये जगह उल्का पिंडों के गिरने की भी जगह रही है, जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह में से एक है। 1970 की घटना के बाद से मैक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनाए हैं, जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही या जान नहीं पा रही। दरअसल उनका मानना है कि यहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजह है, जैसे वहां विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार के उड़ंत स्तरियों का दिखना। वहां के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों पर काम करने वालों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से 3 सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा, जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरे हैं, उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो गई है। इस स्थान का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भौगोलिक रूप से ये मिस्र के प्रामी और कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल के समानांतर है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाले कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। यद्यपि ये स्थान बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं गायब नहीं हो रही,
लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के होने वाले असामान्य व्यवहार और वैज्ञानिकों की निरंतरता उपस्थित इस बात का प्रमाण है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन होते हैं, और मामला अगर परग्रही गतिविधियों का हो तो ज्यादातर लोग उससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों के लिए देखते रहिए द अननोन।